जिला भरतपुर राजस्थान के अंदर इसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता मेरे बड़े भाई पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूतर भरतपुर राजस्थान से आपके समक्ष ढोलक बजा रहे हैं मेरे बड़े भाई गौरव उर्फ गिल्ला मोरोहित और ठीक है की धड़कार दे रहे हैं बदन सिंह जी ग्राम मोहर्रा भरतपुर राजस्थान से पैर की धड़कार देते हुए प्रेम सिंह ग्राम अवार भरतपुर राजस्थान से और आपके समक्ष कलाकार चंद्रवीर गौड़ा उत्तर प्रदेश से आइएगा सुनिएगा प्रांगण में विराजमान जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं और इस मंच पर जितने भी मंचासीन बैठे हुए हैं आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए वो राम राम सब श्रोता बंधुओं बारी बारी से सभी गाने वाले आपके मध्य में आपके बीच में चले आ रहे हैं अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं लेकिन आइएगा कबीरराज दोहे में जवाब दे रहा है भैया और साकी छोटी लग चलेंगे अब टाइम क्योंकि कम है दो लाइन की गुरुजी बिल्कुल आज साकी और भैया गौरव क्या जवाब दे रही है सुनिए हो एक दिन कानी छोड़ी दई चार बेगा Oh!
आप लोगों ने महाभारत रामायण सुनते चले आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो कि आपने अपने श्रवणों से 10-20 बार नहीं सुना हो, लेकिन कवि की कविताएं गाने वाले के ढंग अलग-अलग अलग हुआ करते हैं। गौर करेंगे, एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा, वही जूनागढ़ राजधानी जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था, आज इस जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक चित्रगुप्त नामक का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। आज उस मदन सेन को उस राजा ने अपने पुत्र को यानी राज पाठ दे दिया, यानी राज का उत्तरदायी बना दिया। कहा, बेटा मदन सेन, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। राज चलता रहा। आज वो राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है। प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया। कहा, बेटा मदन सेन, अरे मैं तुम्हें 12 साल का देश निकाला देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ, अरे तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। आज राजा मदन सेन रानी के पास आए। कहा, रानी तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरे पिता ने मेरी गलती पर, मेरी भूल पर मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। हाथ जोड़कर रानी खड़ी हो गई। कहा, राजा अरे 7 फेरे डालकर मैं आपके साथ आई हूं और आप कहते हो इन महलों में रहना, कदाचित नहीं। आज वो रानी चंद्र प्रभा मदन सेन को और भैया गिल्ला जवाब दे रही है, कैसे? और देखो अभी अभी सुन रहे RJ05, अब सुनो यूपी क्या से, भैया क्या जवाब दे रही है रानी। और देश निकारे में करूंगी सेवा और मैं बदबिरता नारी और मत कर पिया तंग चलूंगी प्यारे संग में बलम हजारी। चल रहे दोनों
पैदल पैदल चल रहे दोनों बिकटा बनी में आए हैं और थक के चकना चूर भय फिर आपस में बता रहे हैं। थोड़ी देर पिया सस्ता ले की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे पतिदेव बहुत तेज धूप है क्यों ना आराम किया जाए। आज वो राजा मदन सेन करते क्या है सुनिएगा भैया कैसे देखा सुना और भैया गौरव इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार देवी सिंह जी मथुरा वाले देते हैं बार बार धन्यवाद। और भैया गौरव कैसे जवाब दिया है आज वो राजा एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिंता बना रहा है उस बनी के अंदर रो रहा है और अब लंगड़े ढोला में रो रो है कैसे भैया। डकराई राजा बन मित्र Yeah.
श्रोता बंधु हाथ वो राजा उस बनी के अंदर रो रहा है, एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिता बना रहा है। लेकिन यहां से कहानी मोड़ ले रही है, उसी बनी के वास्ते माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। कह जोर न की जन चीख सुनी तो, जोर न की जन चीख सुनी तो थमे गई सैलक कुमारिया, और ध्यान वहां को गयो झूक उठे बड़ा भारी। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती न कर रुक जा डमरू बारे, और यहां रुधन के काम भोलेनाथ मुझे ऐसा सबब होता है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई इस बनी के अंदर दुखिया रो रहा है। क्यों ना देखा जाए, माँ पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही, भैया कैसे ये तो रोबे मार के पार्वती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा भोलेनाथ तो आप इस दुखिया से मिलने के लिए नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है। मां पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही है, और गुरुजी किस तरीके से
यही रहो के पार्वती के तुम यही रहो और मैं तो जाते मिलवे जाऊंगी और जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट के भैया जी श्रोता बंधुओं आज मां पार्वती जवाब दे रही हैं तिरिया हट पे अड़ गई है तिरिया 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 हट पे अड़ गई है तिरिया न्यू सोचे डमरू बारो तेरे मन की सीमे कर दंगो छोटा सा गाना क्योंकि आज 14 फरवरी है। आज उन वीरों को जवानों को याद किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। छोटी सी चार लाइन है मेरे देश का सिपाही जवान चंद लाइनों में जवाब दे रहा है और भैया गौरव किस तरीके से और बंदे मातरम ये देश का जवान जवाब दे रहा है और बंदे मातरम मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा कोई
कोई कहे पाकिस्तान की है। अब लाइन ऐसी आ रही है कि आप हाथ उठाओगे और हाथ उठाएंगे तो तालियां भी बजेंगी उन जवानों के लिए। कोई कहे ये रूस की धरती, कोई कहे पाकिस्तान की है, जिस पर हमने जन्म लिया है। रोता जी, जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर हमने जन्म लिया, धरती पीर किसान की है, वंदे मातरम लिख कर दिन पर राती गान लिखा। गीत की अंतिम लाइन, क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर, भैया जी कमेटी से माफी मांगूंगा एक मिनट के लिए। भैया, आज मेरी माता बहनों के बारे में एक